y'all, come look at this. तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो गाइस ये रहे हमारे पिछले पोको क्विज के विनर्स। अगर आप भी वीडियो में शाउट आउट पाना चाहते हैं तो पोको क्विज का आंसर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट पाइए। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आप सबको स्वागत है पोकेमोन द फायर रश के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। तो गाइस इस वाले एपिसोड में हम जाके पहले तो गैरी से बैटल करेंगे और अपनी जोटो जर्नी स्टार्ट करेंगे गाइस। तो ये रहा गैरी। तो गाइस इससे बैटल करने से पहले एक बार मेरे को याद आया कि यहाँ पे गई एक लड़के में म्यू भी देती है। तो गाइस अरे रिपल यार, यही लड़की है वो जो हमें म्यू देती है। तो ये इससे बात करते हैं। क्या मैं तुम्हें एक पोकेमोन देना चाहती हूँ, क्या तुम लेना चाहोगे? हाँ तो लेंगे भाई, इसने हमें म्यू दिया है तो कोई निकनेम नहीं देने का है अपन को यार। एक तो हम इतने पोकेबॉल वेस्ट करके यार लेजेंडरी पोकेमॉन्स पकड़ते हैं और ये इसने हमें मिथिकल पोकेमॉन दे दिया एक। तो भाई सही है, कोई नहीं, ये सारे घर तो बंद पड़े हैं, पहले भी बंद ही थे अभी भी बंद है। लगता है इनका मालिक कहीं टूर पर गया हुआ है। तो सही है भाई, इन झाड़ियों में भी देखते हैं कहीं कुछ रेयर कैंडी मिल जाए। तो नहीं है भाई रेयर कैंडी इसमें। मैंने अपना दरवाज़ा खुद से बंद कराया। तो भाई ये उसी टाइम से यार अभी तक लगता है इसको कोई लेके नहीं गया और ये दरवाजे पे बैठा रह गया। हम और इसके घर वालों ने शायद दरवाज़ा बंद करा होगा और ये बोल रहा है हमको कि इसने करा है। चलो कोई नहीं, अपनी मोम से बात करते हैं। तो गाइज हमारी मोम तो पोकेमॉन हील कर रही है, कुछ बोल नहीं रही है, तो चलो पोकेमॉन हील करा लेते हैं। तो गाइज जल्दी से चलते हैं, अब हमने सारे काम तो कर लिए हैं, सबसे बातें भी कर ली है। एक बार इस डेजी से बात कर लेते हैं, हमें कुछ देगी क्या? तो बोल दिए कैसा चल रहा है। बढ़िया ही चल रहा है भाई, मतलब बहन। तो अब इससे बैटल करते हैं गैरी से। तो इससे तो हमने बात कर ली थी गाइस पहले भी, तो जल्दी से बैटल करते हैं। इसके पास कौन सा पोकेमॉन है? शायद से ईवी होगा क्योंकि एनिमे में भी ईवी था। तो हाँ ईवी ही है। तो आइस भी मारते हैं भाई, देखते हैं कि इसको हरा पाएंगे या नहीं। तो भाई हमने एक ही बार में हरा दिया भाई, सुपर इफेक्टिव भाई। एनिमे में तो पिकाचू हार गया था पर हमने इसमें हरा दिया लैप्रस की मदद से। तो अब ये बोल रहा है कि मैं जोटो लीग में तुमसे मिलता हूँ, तो ये जोटो रीजन जा रहे हैं, तो हम भी जाएंगे गाइस अभी। तो पहले तो प्रोफेसर ओक से बात कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे ट्रेसी आ गया है और ट्रेसी के सारे पोकेमॉन्स हैं यहाँ पे। तो सही है, ट्रेसी से बात करते हैं। हाँ यश, तुम्हें क्या यकीन हो रहा है कि मुझे प्रोफेसर ओक के पास काम करने को मिला? तो हमें भी यकीन नहीं हो रहा भाई, कैसे मिल गया तेरे को? तो प्रोफेसर ओक से बात करते हैं। ओ यश, तुमने जीएस बॉल ले आए, गुड गुड। चलो मैं एक बार देखता हूँ जीएस बॉल को। अरे मैंने देखा कि मैं इसे नहीं खोल पाऊँगा। तो जोटो रीजन में एक कर्ट नाम का आदमी रहे हैं, वो एलेजियल टाउन में मिलेगा तुमको रूट 22 पे। तो इसने कहाँ से जाने को बोला? तो ये बोल रहा है कि कांटो जो इंडिगो लीग है ना उधर से ही रास्ता है। तो एक बार तो अपने सारे पोकेमॉन्स गाइस जमा कर देते हैं, हम अपने ए टू जेड पोकेमॉन्स जमा कर देते हैं जितने भी थे। तो गाइस ये पहले तो लैप्रस को जमा कर देते हैं, बल्बसोर को भी जमा कर देते हैं और म्यूटू को भी जमा कर देते हैं। तो गाइस स्नोरलैक्स और बल्बसोर को भी जमा कर देते हैं, चार्जरड और पिकाचू रहने देते हैं गाइस, क्योंकि ये दोनों अच्छे पोकेमॉन्स हैं मेरे। और एक बार गाइस देख लेता हूँ मैं। अरे यार डिपॉजिट हो गया, एक बार मेरे को देखने हैं यार मेरा म्यू और वो म्यू हो वगैरह। मैं अपने सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स तो देखो यार, वैसे सारे 50 लेवल के ही हैं, तो टेंशन की तो इसमें बात ही नहीं कोई, कभी भी बैटल में यूज़ कर सकते हैं हम इनको। सारे के सारे 50 लेवल के ही हैं। हमारा मोल्ट्रेस वगैरह वगैरह सारे पोकेमॉन्स गाइस 50 के ही हैं। तो एक बार मैं देख लूँ यार, मैंने बल्बसोर से हटाया था ना, तो क्या पता हो कहीं बल्बसोर रिलीज ना हो गया हो। तो हाँ बल्बसोर है। तो चलो चलते हैं गाइस, अपनी जर्नी बिगिन करते हैं। तो जल्दी से पहले तो मैं अपने घर जाऊंगा गाइस, मॉम से मिलेंगे यार।
इतनी लंबी जर्नी पे जा रहे हैं तो मॉम से मिल के ही जाएंगे एक बार। और गाइस मैं इधर से कूद के जाऊंगा क्योंकि ये बच्चा इधर खड़ा है ना, इसको कूदना नहीं आता, तो इसको चिढ़ाने में बहुत मज़ा आता है भाई। तो जल्दी से घर के अंदर चलते हैं, मॉम से मिलेंगे और गुड बाय बोल के जाएंगे। तो गाइस मॉम तो बस वही बोल रहे हैं रेस्ट वगैरह पोकेमोन करने के लिए, तो एक बार अपने रूम में भी जाके देख लेते हैं। तो गाइस मैं अपने रूम को भी बहुत ही ज़्यादा मिस करूँगा। तो गाइस यहाँ पे एक पोकेबॉल है, तो इस पोकेबॉल को पकड़ लेते हैं, मतलब ले लेते हैं, इसके अंदर क्रश क्लो है। तो गाइस जल्दी से इस ड्रॉर में भी देखते एक बार, तो इसमें लिखा है कि हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से रखे गए हैं इसके अंदर। तो गाइस वो महान व्यक्ति मैं ही तो हूँ जिसने अपने कपड़े बेकार तरीके से रखे हैं। चलो गाइस चलते हैं बाहर। जाने से पहले एक बार मिस्टर माइम से भी बात करते हैं। तो मिस्टर माइम की माइम सुनने में बड़ा आनंद आया गाइस। तो चलो चलते हैं भाई लोगों, तो जल्दी से चलते हैं इधर से, बस कोई पोकेमोन अपीयर ना हो यार। जिसका जिसका डर रहता है ना भाई, वही चीज़ होती है। हमने सोचा पोकेमोन अपीयर नहीं होंगे, यहाँ पोकेमोन अपीयर हो रहे हैं। इनको मार के भी क्या फ़ायदा भाई, कितने एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हमको, ज़रा से भी नहीं मिलेंगे। तो गाइस इधर भी देखते हैं यार, इससे जल्दी से रन करते हैं और देखते हैं उधर जहाँ में रेयर कैंडी मिली थी पहले, वहाँ भी रेयर कैंडी मिलेगी या नहीं दोबारा से। तो गाइस देखते हैं जाके जल्दी से, अंदर हम पहुँच तो चुके हैं, जल्दी से ब्रिज क्रॉस करते हैं। तो भाई नहीं है यार रेयर कैंडी, यार फालतू में आए हम यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं गाइस, चलते हैं आप जल्दी से इंडिगो प्लेट्यू। तो अरे यार ये सामने अट गया यार, असली साइकिल होती ना यार, ये बचता नहीं फिर बिल्कुल भी, इसके ऊपर ही चढ़ जाती साइकिल, और गेम थी ना इसलिए बच गए। तो कोई बात नहीं गाइस, जल्दी से चलते हैं इंडिगो प्लेट्यू की तरफ, इससे थोड़ा बचते हुए, बस पोकेमोन अपीयर ना हो। अच्छी बात अपीयर नहीं हुआ, और इससे भी बचोगे भाई हम। तो जल्दी से चलते हैं, हम आ चुके हैं इंडिगो प्लेट्यू की तरफ। तो इधर से है, तो इससे बात करते एक बार। ये एक बॉर्डर कंट्रोल जोटो के बीच में। तो भाई हमें पता ही था, वैसे तो नहीं पता था। तो इधर रास्ता बंद है गाइस, ये बैटल कर रहे हैं फीरो और माचोप। मैं बैटल के मिडल में हूँ, मुझे हारने नहीं देना, मैं क्या करूँ? तो भाई हम क्या बताए भाई, तू क्या करे, तेरी बैटल तूने मोल लिया। तो भाई यहाँ पे एक पोकेमोन आ गया भाई। तो पोकेमोन एग सही है भाई, इस पोकेमोन एग के अंदर पता नहीं कौन सा पोकेमोन है, पर हम देख नहीं सकते यार, पता नहीं क्या है, झंड किस्मत है हमारी। तो भाई इस घर के अंदर देखते हैं, इससे बात करते हैं, इस आंटी जी से। यहाँ पे अलग अलग तरह के पोकेमोन से, तो वो तो हमें दिखता ही है, हम दिख रहा है हमने। यहीं साइड में लैब भी है, तो इधर देखते हैं इसके अंदर घुस के घर के। तो ये तो दरवाज़ा बंद कर रखा है इन्होंने, तेज बंद है भाई थोड़े। तो ये वाला भी बंद है, तो ये बोल रहा है कि इधर से नहीं जा सकते तुम। तो यार किधर से जा सकते हैं अपन, तो चलो कोई बात नहीं, हम चलते हैं पहले तो इसके अंदर लैब के अंदर, तो इससे बात करते हैं। हेलो, क्या तुमने प्रोफेसर ओक ने तुमको भेजा है? उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हें जोटो के सारे स्टार्टर्स दिखा दूं मैं। ये है ग्रास टाइप स्वेटर, चिकोरेटा, सिंडक्विल, फायर टाइप और वाटर टाइप टोटोडाइल। तो गाइस इसने हमें सारे स्टार्टर्स तो दिखा दिए, काश हम चूज कर पाते। ये जो साइड में मशीन लग रही है, इसमें तुम अपने पोकेमोन हील कर सकते हो। तो गाइस देखते हैं हील करके, हमारे पोकेमोन हील हो चुके हैं गाइस एक्चुअली में, तो सही है मशीन। तो वैसे इससे बात करते हैं, यार ये अटक क्यों गया? अच्छा बुक्स पड़ी हुई है नीचे, इसीलिए अटक गया। चलो अरे यार नहीं जाना मेरे को कहीं भी, मेरे को इससे बात करनी थी बस। प्रोफेसर एल्म ग्रेट डिस्कवर हैं पोकेमोन एग के, तो अच्छी बात है, लगता है ये अंडा वही छोड़ के आए थे उस रूट पर। पता नहीं गाइस कौन कौन से रूट पर हमें मिलेगा, जैसे हमें तो 222 पे भी जाना है। तो गाइस इससे तो बात करनी थी ना हमने, तो ये बोल रहे हैं कि प्रोफेसर ओक से ही पढ़े हुए हैं ये प्रोफेसर एलमन।
तो गाइस चलते हैं गाइस आगे की तरफ, तो इससे थोड़ा बच के निकलते गाइस। तो गाइस जल्दी जल्दी चलते हैं। तो यहाँ पे हेराक्रॉस है गाइस, तो हेराक्रॉस पकड़ेंगे हम, तो थोड़ा बच के पकड़ते हैं। तो गाइस हमारे पास आ चुका है हेराक्रॉस, तो बहुत बढ़िया गाइस। तो हम इसे कोई निकनेम तो नहीं देंगे, बस इससे थोड़ा बचते हुए निकलते हैं और ये पोकेबॉल देखते हैं इस पोकेबॉल में क्या है। तो इस पोकेबॉल में पोशन है गाइस, तो जल्दी से चलते हैं अब नीचे की तरफ। और इधर रास्ता है क्या? तो अरे यार हम जंप लगा दी गलती से, चलो अच्छी बात है। इधर रास्ता तो नहीं है वैसे, कोई बात नहीं, पर इधर रास्ता है ऊपर जाने के लिए तो कम से कम, नहीं तो हम तो फंस जाते उस जगह पर। तो गाइस हेराक्रॉस को हम आगे रख लेते हैं क्योंकि बैटल तो हमें करनी पड़ेगी इससे शायद, तो जल्दी से चलो गाइस इससे बैटल करते हैं क्योंकि और कोई रास्ता तो है नहीं। अरे यार बैटल करने से पहले यार एक पोकेमोन अपीयर हो गया यार, दिमाग ख़राब करने के लिए एक पोकेमोन काम है क्या? और ऐसे पोकेमोन है जिन्हें यार पकड़ के भी कोई फ़ायदा नहीं है, मैं इनको पकड़ने से रहा। तो जल्दी से यार मैं एक तो सुपर रिपल लगाता हूँ गाइस, तो एक सेकंड रुको गए मैं सुपर रिपल लगाऊं। तो दो ही सुपर रिपल है वैसे, हमारा हो को पकड़ने का हमने 30 मैक्स रिपल कहाँ खरीदे और यहाँ हमारा 5-6 सुपर रिपल्स में काम चल गया गए। तो चलो इससे बैटल करते हैं, वैसे बहुत बढ़िया हो गया गए हमारे मैक्स रिपल बच गए। तो चीकोरीट आए गए, तो हॉर्न अटैक मारते हैं, एक और हॉर्न अटैक में तो फेंट हो जाएगी ये। और इस पास चीको रेटा है और एक ये पीजी है, तो एक ओवर अटैक और फेंट कर देंगे हम इसको भी। एक रैटटा है गाइस, और रैटटा अरे यार फेंट ही नहीं है एक अटैक में, चलो कोई बात नहीं हमने इसको भी फेंट कर दिया गाइस। तो ऐसी बेसबॉल वाली है, जो बेसबॉल वाली आती नहीं क्या, वो बोलती नहीं कि स्ट्राइक पसंद है मेरे को बेसबॉल इलेक्ट्रोबस वाली, वही है ये। तो यहाँ पे चीकोरीट है, वैसे देखने में कितनी ज़्यादा अजीब सी लग रही है वैसे ये, चलो कोई नहीं गाइस ये जीबीए गेम्स है इसमें ऐसा तो होता ही है। तो हम अरे यार इनसे बैटल करनी पड़ेगी यार, दो दो हैं ये एक भी नहीं है, चलो क्या कर सकते हैं भाई, बैटल तो करनी पड़ेगी हमें। तो गाइस जल्दी से इससे बैटल करते हैं, मतलब इनसे बैटल करते हैं। तो गाइस हूट हूट है दोनों के पास ही, तो पिकाचू तो काम तमाम कर देगा इसका वैसे। तो इसके हॉर्न अटैक ही मारते हैं इसके ऊपर भी, और उसके ऊपर थंडर पंच मारेंगे, तो थंडर पंच वाला तो जाएगा काम से गाइस, क्योंकि एक तो वैसे वो बर्ड पोकेमोन है मतलब फ्लाइंग टाइप है, और ऊपर से इलेक्ट्रिक टाइप मूव, और ऊपर से लेवल देखो हमारे पिकाचू का, तो वैसे हेराक्रॉस से तो यही उम्मीद थी। तो गाइस हमने इसको, इसने पैरालाइज हो गया अपने आप ही। तो गाइस यार ये बफर हो रहे हैं यार यहाँ पे, पता नहीं कौन सी जगह है ये। हाँ मेरे को याद आया एनिमे में भी एक बार हुआ था ना, मतलब चीकोरीटा को पकड़ने के लिए ऐश और वो वहाँ गए थे, मतलब वहाँ फंस गए थे वो शायद, क्या बोलते हो उस जगह को, मतलब आइस टाइप आइस सी कोई जगह थी, केव वगैरह कोई जगह थी, उधर फंस गए थे। तो गाइस हमें क्या, हमने तो इसको हरा दिया है, अभी हम अपने चीकोरीटा को लेंगे जाके। तो जल्दी से चलते हैं गाइस। अरे यार ये बफर बफर यार दिमाग ख़राब करके रख दिया, बफर बफर फालतू में यार, एक तो इतना दिमाग ख़राब हो गया यार, चार्ट रखा है इसने दिमाग, बफर बफर ये हर एक पोकेमोन पे बफर कर रहे हैं यार। तो चलो कोई नहीं गाइस आगे चलते हैं, इससे बच के निकलते हैं थोड़ा सा। तो इधर इधर हाँ इधर ये चीकोरीटा, तो हम चीकोरीटा को अपने साथ लेंगे हमारी टीम में।
तो गाइस हम इसे कोई निकनेम नहीं देंगे चिकोरीटा को। तो अब चलते हैं गाइस जल्दी से। तो गाइस आज का वैसे एपिसोड भी थोड़ा सा बड़ा बन गया है, तो लो कोई नहीं, हम नेक्स्ट वाली जो सिटी है वहाँ पे जाके सेव कर देंगे। तो इससे यार ये बैटल कर रही है, तो डोंट फैन है इसके पास शायद बड़े सारे। तो इस चार चार पोकेमॉन्स हैं, तो डोंट फैन है इसका फर्स्ट पोकेमॉन। तो सेकंड भी देखेंगे कौन सा है। अरे यार टैकल कर दिया गलती से मैंने, मेरे को हॉर्न अटैक मारना। तो दो दो लेवल के पोकेमॉन है भाई, मतलब एक तो ये फुल्ली इवॉल्व पोकेमॉन, ऊपर से दो लेवल का, मतलब ये लगता है इसके पोकेमॉन ने आज तक कभी बैटल ही नहीं करे। रेयर कैंडी, रेयर कैंडी वाले पोकेमॉन भी भाई इतने ज़्यादा लेवल के होते हैं। इसका सेकंड पोकेमॉन भी डॉन फैन है, लगता है इसके बड़े सारे डॉन फैन हैं। चलो हमें क्या गाइस, हम एक ओवर अटैक भाई, मेरा बस हेयर क्रॉस ना फेंट हो जाए यार इनके चुल्लू भर अटैक से। एक डॉन फैन मेरे को एक बार डैमेज देता है, ये डैमेज देगा, एक एचपी कम करी और फिर हमें इसको फेंट कर दिया, फिर से सेम रिपीट होएगा अब। तो इसको हमने फिर से हमारा ये एक एचपी का एक एचपी मतलब डैमेज देगा और फिर से हमने इसको फेंट कर दिया। तो गैस हमने फाइनली इसको हरा दिया है। तो अब चलते हैं गैस जल्दी से। बोलते हैं मेरे पास बड़े सारे डॉन फैन हैं, तुम उसे पसंद करते हो शायद। तो भाई हमें नहीं चाहिए, दद्दू को पता नहीं कौन सी मैराथन में जाना है भाई, इतनी फास्ट फास्ट भाग रही हैं। तो रनिंग शूज़ अच्छा हमारे पास पहले से ही हैं, तो नहीं जी हम आगे नहीं जाएंगे। तो गाइस इससे बात करते हैं। वैसे भाई ये मतलब रनिंग शूज़ से इतनी तेज़ भाग रहा है, हम तो यार पैदल साइकिल पर भी इतनी तेज़ जा रहे थे। तो ये बोल रहा है कि पोकेमॉन इवॉल्व होते हैं ट्रेड से, तो यार हमें कैंसिल करना है, पर कैंसिल करने का बटन ही नहीं दे रखा भाई, तो क्या कर सकते हैं यार, एक बकवास सुननी पड़ी हमें। चलो इस लड़की से बात करते गए, ये जो है खड़ी, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे एक मूव सिखाया था भाई। क्या भाई गर्लफ्रेंड, ये लड़का है क्या? थोड़ा मेरे को दिख नहीं रहा शायद, मेरी आंखें बड़ी है ना थोड़ी या छोटी है, मेरे को इतना पता नहीं, पर मेरे को लगा कि ये लड़की है। चलो भाई कोई नहीं, मेरी आंखों में डिफ़ॉल्ट होगा कहीं, आप सबको तो लड़का ही दिख रहा होगा वो। तो वैसे इस घर में भी ये लड़का है। तुम एक एक्सपीरियंस ट्रेनर लगते हो। हाँ वो तो है, हम अभी एक लीग में हार के भी आए, एक लीग में जीत के भी आए हैं, तो एक्सपीरियंस ट्रेनर बोल सकते हो तुम हमको। तो ये बोल रहे टीम रॉकेट स्ट्रांग है और वो चोरी करते हैं पोकेमॉन्स। हाँ भाई उनसे बचा के रखे अपने पोकेमॉन्स, नहीं तो ऐसे तैसे हो जाएगी तेरी। तो इस घर में जाके देखते हैं भाई, तो ये अंकल जी मतलब दद्दू जी हैं। तो वो बोल रहे बैटल सीखना चाहोगे, तुम्हें तो पहले से ही आता है। हाँ भाई अच्छी बात है, नहीं तो ये फालतू का टाइम पास करते हो, बॉल फेंक के दिखाते वगैरह वगैरह, बहुत टाइम पास करते हो भाई ये। अरे भाई दो दो छोटे बच्चे मतलब तीन तीन क्या कर रहे हैं ये? हम खेल रहे हैं, हमें परेशान करो, इससे बात करते हो। मैं भी खेल रहा हूँ वे। यार ऐसे कौन बोलता है, मैं भी खेलना चाहती थी। तो गए बेचारी को खेलने का मौका ही नहीं मिला इनके साथ, कोई बात नहीं भाई खेल लियो, ये पकड़े पकड़ाई खेल रहे हैं। ये फ्लावर्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। हाँ भाई बहुत अच्छे हैं ये, तो हमारे पैसे तो है नहीं भाई, हम कुछ खरीद नहीं सकते। तो इस पोकेमॉन सेंटर में आ चुके हैं, हम पोकेमॉन हील कराते हैं पहले, तो इससे बात करते हैं एक बार। मेरा बेटा सेवल्डर एक हफ्ते पहले गया था बाहर जर्नी पे। अच्छा हम भी अभी तक बहुत टाइम हो गया हमको तो निकले हुए जर्नी पे, तो जल्दी से पोकेमॉन हील कराते हैं गाइस हम। तो जर्नी पे पता नहीं कितने दिन हो गए गाइस, जितने एपिसोड है उतने ही दिन होंगे। तो उठाएंगे ना जो है हमारे पोकेमॉन हील करने के लिए। तो गाइस इधर रास्ता है, वो शायद जा सकते हैं, इधर भी कोई रास्ता होगा। तो इधर तो गाइस कुछ भी नहीं है, बस पोकेमॉन सेंटर का पॉन्ड है। तो गाइस जल्दी से मैं चेयर पे बैठ जाता हूँ, आंटी जी से बात करता रहूँगा, इनका दिल बहला दूंगा थोड़ा, इनका
जो बेटा गया ना उनकी भर दूंगा मैं जख्म। तो गाइस सेव कर देते हैं जल्दी से गेम, और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तो बाकी हम नेक्स्ट एपिसोड में करूंगे। तब तक के लिए बाय गाइस, स्टे सेफ, सी यू नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज सब कर with the